हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू एज वेल। पांच ऐसी चीजें जो आपको एक हैबिट की तरह बना लेना चाहिए जब आप कॉलेज में जाते हो इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट जॉब आउट ऑफ योर कॉलेज या फिर एक अच्छा प्लेसमेंट लेके आप कॉलेज से निकलो। इस चीज के लिए आपको क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए जब आप कॉलेज में रहते हो, इन सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब भी हम लोग कॉलेज में जाते हैं हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं अपने स्टडीज के तरफ एंड वी प्रेफर टू एंजॉय मोर। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने एंजॉयमेंट को रखते हुए किस तरीके से क्या क्या चीजें अगर आप स्मार्टली करो तो यू गेट द बेस्ट जॉब व्हेन यू गेट आउट ऑफ योर कॉलेज। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिकॉज दिस वीडियो इज श्योरली गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ वैल्यू इन योर लाइफ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला चीज जो आपको करना है दैट इज कीप योर एकेडमिक्स वेल। ठीक है, अपने एकेड्स को कभी भी आप साइडलाइन मत कर देना जब आप कॉलेज में जाते हो। तो जनरली ऐसा होता है कि जब आप अच्छे कॉलेज में चले जाते हो यू ऑलवेज हैव दिस फीलिंग इनसाइड यू कि चलो अब तो अच्छा प्लेसमेंट हो ही जाएगा क्योंकि कॉलेज बहुत रेप्यूटेड है। बट ऐसा जनरली होता नहीं है बहुत सारे लोगों को। इट इज जनरली सेड दैट अ गुड स्टूडेंट फ्रॉम एन एवरेज कॉलेज गेट्स अ बेटर प्लेसमेंट देन एन एवरेज स्टूडेंट इन अ गुड कॉलेज। ऐसा एक्चुअली हो रहा है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स जो एक कंपनी देखती है आप में जब वो आपको पिकअप करती है, नॉट ओनली योर कॉलेज, देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। अब एकेडमिक्स अच्छा रखना क्यों जरूरी है ये भी हम लोगों को समझना चाहिए। देखो, एकेडमिक्स एक्चुअली आपका एक रिफ्लेक्शन है इस चीज का कि आप कितना डेडिकेटेड हो उस कोर्स के लिए जिसपे आप एनरोल किए हो। अब मान के चलो आप एक बीटेक कॉलेज में गए हो तो उस बीटेक का जो पूरा कोर्स है उसमें आप कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हो और कितना अच्छे से आपने पढ़ाई किया है, इस चीज में एकेडमिक्स का रोल आ जाता है। जब आप एज अ फ्रेशर आपको कोई कंपनी उठाती है तो वो कंपनी आपका स्किल्स लेवल को ज्यादा नहीं देख पाती बिकॉज आप एक फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस नहीं गैदर किए हो। तो वो जनरली आपके एकेडमिक्स को ही देखते हैं एज अ वे टू अंडरस्टैंड हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर एज अ स्टूडेंट, क्योंकि उसी बेसिस में वो सिलेक्शन करना पसंद करेंगे। एक अच्छा वेल डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट जो अच्छी तरीके से अपने एकेड्स को मेंटेन किया है उसको एक कंपनी हमेशा प्रेफर करती है। सो ऑलवेज एम फॉर द टॉप 10-15% इन द वेरी कोर्स दैट यू हैव एनरोल्ड, क्योंकि अक्सर अगर आपका एकेडमिक्स अच्छा नहीं होता है तो इंटरव्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो आपको रोस्ट करने के लिए होता है कि व्हाई योर एकेडमिक्स वेरेंट गुड, ऐसा क्या करते थे कि एकेडमिक्स में तुम्हारा नजर नहीं गया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप द एकेडमिक्स वेल सो दैट यू हैव अ गुड इमेज इन फ्रंट ऑफ योर रिक्रूटर जब आप प्लेस हो रहे होते हो। राइट, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पार्टिसिपेट इन इवेंट्स। अब कॉलेज में बहुत सारे फेस्ट्स और इवेंट्स होते हैं, उन सारे चीजों में पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? द रीजन इज सिंपल। पहली बात तो ये होता है कि इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से आपका जो सॉफ्ट स्किल्स है वो बहुत ग्रो करता है। बहुत सारे इवेंट्स में बहुत ऐसे फंक्शंस होते हैं, बहुत ऐसे काम होते हैं जिसमें आपका सॉफ्ट स्किल्स एक्चुअली इंप्रूव होता है। लाइक अच्छी तरीके से बात करना। जनरली बहुत सारे जॉब डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे कि इंटरपर्सनल स्किल्स हर एक कंपनी देखती है किसी भी स्टूडेंट में, क्योंकि आपका चाहे टेक्निकल स्किल्स कितना भी अच्छा हो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए आपके अंदर टीम वर्क, प्रॉपर कम्युनिकेशन, लोगों के साथ बात करना, नेटवर्क करना, ये सारे जो स्किल्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट इवेंट्स, टॉकिंग टू योर सीनियर्स ओवर देयर हेल्प्स यू इन नेटवर्किंग। इसमें आपका लीडरशिप स्किल्स भी थोड़ा बहुत इंप्रूव होता है एंड सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत अच्छी तरीके से आपके अंदर आ जाता है। और ये एक्चुअली जब आप अपने रेज्यूमे में रखते हो कि आप किसी भी ऐसे क्लब में सेक्रेटरी थे या फिर आप उसमें एक एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, तो रिक्रूटर्स इस चीज पे ध्यान देती है कि आपका एक्स्ट्रा करिक्स भी बहुत अच्छा था, नॉट ओनली यू आर गुड इन योर एकेडमिक्स, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऑलराउंडर को प्रेफर करेगी जो ना कि बस पढ़ाई लिखाई में अच्छा है बट उसके साथ साथ बाकी सारे बहुत सारे स्किल्स और चीजों में वो इंटरेस्ट भी रखता है। राइट, सो दिस इज द मेन रीजन बिकॉज ऑफ विच पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट इवेंट्स बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसके बाद आता है अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल, प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बहुत सारे लोग बाद में रियलाइज करते हैं बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू व्हेन यू आर इन योर कॉलेज। अब क्यों लिंक्डइन का प्रोफाइल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? जनरली हम लोग कॉलेज में इंस्टाग्राम और फेसबुक में ही ज्यादा टाइम बिताते हैं एंड दैट इज नॉट रॉन्ग, बट
अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल करना चाहते हो, अच्छे कनेक्शंस लिंक्डइन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात, ऐसा क्यों? क्योंकि लिंक्डइन में जो भी सारे पोस्ट्स होते हैं वो मेनली प्रोफेशनल लाइफ के बेसिस में ही होते हैं, तो इससे आपको बहुत अच्छा खासा आइडिया लगता है कि जॉब का मार्केट में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कौन से पोजीशंस का है। देखो, आप कॉलेज में तो आप बहुत सारे काम करते हो, बट यू अगर कॉलेज में बैठे बैठे आपको समझ में आ जाए कि कौन से रोल्स और कौन से जॉब्स में सबसे ज्यादा प्रेफरेबल पोजीशंस मिल रहे हैं जिसमें आपका स्कोप और करियर अच्छा बन सकता है, तो आप उस चीज के लिए प्रिपरेशन पहले से चालू कर सकते हो। तो अच्छे कनेक्शंस अगर आपके लिंक्डइन में पहले से है, दिस एक्चुअली प्रोवाइड्स यू अ गुड प्लेटफॉर्म टू मेक योरसेल्फ अ पाथ इन दैट पर्टिकुलर करियर। और ये एक ऐसा टूल है जो बेसिकली आप जिसमें आप अपने स्किल्स को अच्छी तरीके से शो ऑफ कर सकते हो पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स की तरफ। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लिंक्डइन के कनेक्शन के थ्रू इंटर्नशिप्स को कन्वर्ट करते हैं और प्लेसमेंट्स को भी कन्वर्ट करते हैं अच्छे पैकेजेस के साथ, इफ यू हैव शोन योर स्किल्स प्रॉपरली एंड इफ यू हैव मेड द राइट कनेक्शंस। फिर आ जाता है रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स। अब कोई भी फील्ड में अगर आप इंटरेस्टेड हो जाते हो, जब आप लिंक्डइन में सर्च करते हो बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको दिखती है, तो उन सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज को जब आप रिसर्च करके समझते हो कि दिस इज समथिंग दैट इज वेरी एप्रोप्रिएट फॉर योर नेचर, तो उस पर्टिकुलर जॉब के प्रोफाइल के बेसिस में आपको रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स कर लेनी चाहिए अपने कॉलेज में। बिकॉज कॉलेज इज द ओनली टाइम इन योर लाइफ, स्पेशली योर अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में, सबसे अच्छा चीज ये होता है कि आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है एंड आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा कम होती है, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन योर पेरेंट्स, राइट? और दिस इज द लास्ट टाइम इन योर लाइफ जब ऐसा होता है कि आपके पास इतना ज्यादा टाइम होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होते हैं। कॉलेज के बाहर निकलने के बाद ऑब्वियसली टाइम भी घट जाती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती है, क्योंकि लोग आपके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, करेक्ट? तो रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स अगर आप करते हो एंड इफ यू स्टिक इट टू योर रेज्यूमे, तो ये तो पहली बात ये है कि आपके इंटरेस्ट को क्लियरली शो करती है कि आप इस चीज में इंटरेस्टेड थे, इसीलिए आपने प्रोजेक्ट्स को परसू किया। और दूसरा चीज, ये एक प्रूफ ऑफ वर्क हो जाता है कि आप एक तरीके से खुद से ये सब कुछ किए हो विथ योर ओन इनिशिएटिव, तो दिस प्रूव्स दैट यू आर अ गुड इनिशिएटर ऑल्सो। तो इसीलिए रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप अपस्किलिंग योर हार्ड स्किल्स। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि सॉफ्ट स्किल्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वो आपके रेज्यूमे में एक तरीके से, हर रेज्यूमे में आप देखोगे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड लीडरशिप स्किल्स, ये सब मेंशनड रहते हैं। बट एट द सेम टाइम हार्ड स्किल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बस सॉफ्ट स्किल्स के बलबूते पे आप कोई भी जॉब को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। हार्ड स्किल्स होती क्या है, इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हार्ड स्किल्स बेसिकली वो एकेडमिक स्किल्स है और वो टेक्निकल स्किल्स है जो किसी भी रोल में जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो एक्सेल एक हार्ड स्किल है जो आपको आनी चाहिए अच्छी तरीके से, नॉट इन अ वेरी बेसिक मैनर, बहुत अच्छी एडवांस तरीके से जो काम को बहुत एफिशिएंट कर दे। क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हो, किसी भी कंपनी में जाते हो, तो वहां पे आप उतना ज्यादा अटेंशन गेन करते हो जितना एफिशिएंटली आप काम को कर देते हो। तो अगर आपका हार्ड स्किल्स अच्छा है, इसमें आपको हमेशा एक अपर हैंड मिलती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई गेस आपको इस वीडियो के थ्रू अच्छा खासा नॉलेज मिल गया है एंड आइडिया लग गई है कि कौन से चीजों में आपको टाइम देनी पड़ती है कॉलेज के टाइम में। अब ये वीडियो देख के आपको लग रहा होगा कि यार इतना सब कुछ करूंगा तो एंजॉय कब करूंगा, बट द थिंग इज नॉट दैट। किसी भी कॉलेज में अगर आप हर दिन का 1 से 2 घंटा भी टाइम निकालते हो इन सारे पांचों चीजों में, यू डू नॉट हैव एनी आइडिया कि 3-4 साल में आप कितना ज्यादा आगे निकल जाओगे अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। तो ये जो भी सारे आपको आइडियाज मिले हैं, एडवाइजेस मिले हैं, डू फॉलो दिस एंड सी द डिफरेंस दैट इट क्रिएट्स इन योर करियर। Thank you for watching this video. I wish you a good health.